मेरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, मैं रेनू भोरा, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है पेपर फर्स्ट की पेट्रोमाइजोन। हम इसको स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। पहले इसका वर्गीकरण है, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप ए नाथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोनाइडी, जीनस पेट्रोमाइजोन। ये तो है क्लासिफिकेशन। अब है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। इनको कॉमनली, पेट्रोमाइजोन को कॉमनली लैम्प्रेज कहा जाता है। लैम्प्रेज आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाउंड इन बोथ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। इट इज़ एन अनप्लेजेंट एनिमल। ये एक बहुत ही देखने में अच्छा एनिमल नहीं प्रतीत होता। इट्स लाइफ साइकिल इंक्लूड्स टू फेजेस। दो फेजेस में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। द लार्वल फेज इज़ कॉल्ड एमोसीट। इट इज़ ए फ्रेश वाटर एंड सीडेंटरी। लार्वल फेज जो है उसको एमोसीट लार्वा कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सीडेंटरी होता है, कोई एक स्थान से चिपका हुआ रहता है। फिल्टर फीडिंग एंड माइक्रोफेगस क्रीचर्स लाइक लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा। ये फिल्टर फीडिंग इसके अंदर पाई जाती है और माइक्रोफेगस क्रीचर है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खा करके अपना जीवन यापन करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्रैंकियोस्टोमा की तरह। द फिश लाइक अडल्ट लिव्स इन द सी एंड इज पैरासाइटिक ऑन फिशेस। जो अडल्ट एनिमल है वो मछली के समान उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है बाहर से। ये समुद्र में पाया जाता है, सी में पाया जाता है और परजीवी होता है फिशेस के ऊपर। इट क्लिंग्स टू फिशेस एंड टर्टल्स एटसेट्रा विद इट्स पावरफुल। Sectorial mouth and then removes small bits of tissues with its rasping tongue. ये fishes और turtles पर powerful sectorial mouth से चिपक जाता है और धीरे धीरे जो है सारे tissues remove करने लग जाता है। और ये removing का काम जो होता है वो rasping tongue के द्वारा होता है, जो tongue के अंदर rasping structure पाया जाता है। द सी लैम्प्रेज स्विम अबाउट नियर द बॉटम ऑफ सॉल्ट और फ्रेश वाटर बाय द अंडुलेशंस ऑफ इट्स बॉडी। जो सी लैम्प्रेज हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, वो तैर करके बिल्कुल नीचे बॉटम में चले जाते हैं, फ्रेश वाटर के बॉटम में या सॉल्टी वाटर के बॉटम में। और बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो अंडुलेशंस मूवमेंट कहलाते हैं। और वेव लाइक, समुद्र की जैसे लहरें उठती है उस तरह से इसके अंदर मूवमेंट पाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई हैबिटेंट हैबिटेट की। अब है एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहला है शेप, साइज एंड कलर। द लैम्प्रे हैज़ एन इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी मेड ऑफ थ्री रीजन्स, हेड, ट्रंक एंड टेल। इसका शेप, आकार एनिमल का इलोंगेटेड होता है, लंबा पतला, और ईल के समान, स्नेक के समान होता है। बॉडी तीन भागों में विभक्त होती है, हेड, ट्रंक और टेल में। हेड एंड ट्रंक का सिलेंड्रिकल, हेड और ट्रंक रीजन सिलेंड्रिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। वेयर एज द टेल इज लिटरली कंप्रेस्ड। टेल जो रीजन है वो लिटरली कंप्रेस्ड होता है। बॉडी इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर। बॉडी का कलर ग्रीनिश होता है, हरे रंग का होता है, ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ विदाउट एक्सोस्केलेटन, सॉफ्ट एंड मेड स्लाइमी बाय सिक्रीशंस फ्रॉम एपिडर्मल ग्लैंड्स। ये इन प्राणियों के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, इसलिए बॉडी सॉफ्ट होती है। और स्लाइमी सिक्रीशंस होता है, चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता है एपिडर्मल ग्लैंड्स के द्वारा। सी लैम्प्रे, जिसका जूलॉजिकल नाम है पेट्रोमाइजोन मैरिनस, अटेंड्स ए लेंथ ऑफ 1 मीटर।
ये जो पेट्रोमाइजोन मैरिनस सी लैम्प्रे जो है, जो समुद्र में पाया जाता है, ये कई बार 1 मीटर की लंबाई जो है इसकी हो जाती है। कॉमन फ्रेश वाटर लैम्प्रे रीचेस 90 सेंटीमीटर। जो कॉमन लैम्प्रेज हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उनकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। इसके अलावा ब्रूक लैम्प्रे जो होते हैं, उनकी लंबाई 45 सेंटीमीटर ही होती है। फिन्स, नेक्स्ट पॉइंट है फिन्स। एक्सटर्नल फीचर्स में पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। पेयर्ड अपेंडेजेस जितनी भी होती है वो नहीं पाई जाती है इन प्राणियों में। टू अनईक्वल मीडियन डॉर्सल फिन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर लोकेटेड नियर द पोस्टीरियर एंड। दो अनईक्वल मीडियन डॉर्सल फिन्स फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही पोस्टीरियर एंड के पास में प्रेजेंट होती है। अराउंड टेल इज कॉडल फिन। टेल के पास में कॉडल फिन पाई जाती है। द अपर लोब ऑफ विच इज़ कंटिन्यूस विद द सेकेंड डॉर्सल फिन। इसका अपर लोब जो है वो सेकेंड डॉर्सल फिन बनाता है। द फिन्स आर सपोर्टेड बाय थिन कार्टिलेजिनस रॉड्स। फिन जो भी प्रेजेंट होती है, मीडियन डॉर्सल फिन है या फर्स्ट और सेकेंड फिन है, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन है, इन सभी के अंदर जो है ये सपोर्टेड रहते हैं कार्टिलेजिनस रॉड्स के द्वारा, जिनको फिन रेज कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है बक्कल फनल। हेड बियर्स इवेंटुअली डायरेक्टेड लार्ज कप लाइक डिप्रेशन। हेड रीजन जो है उसमें वेंट्रल साइड पे वेंट्रली डायरेक्टेड एक बड़ा कप लाइक डिप्रेशन पाया जाता है। द सकर और बकल फनल कहते हैं उसको। इट इज़ सराउंडेड बाय ए मार्जिनल मेम्ब्रेन। एक मार्जिनल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है विद न्यूमरस सॉफ्ट स्मॉल प्रोजेक्शंस। बहुत सारे छोटे छोटे जो है प्रोजेक्शंस निकलते हैं। द ओरल फिम्ब्री और पेपिली विच हेल्प इन अटैचमेंट टू ए फिश। और ये ओरल फिम्ब्री या पेपिली जो है वो अटैच होने में हेल्प करती है फिश से। इन बिटवीन द पेपिली प्रोजेक्ट आउट लॉन्गर सेंसरी प्रोसेसेस द सिराई। फिम्ब्री के बीच बीच में से लंबे सेंसरी प्रोसेसेस बाहर निकलते हैं जिनको सिराई बोलते हैं। द इनसाइड ऑफ बक्कल फनल हैज़ रेडिएटिंग रोज। बक्कल फनल का जो अंदर का पोर्शन है उसमें बहुत सारी रेडिएटिंग रोज के अंदर कॉनिकल येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ पाए जाते हैं, जो येलो कलर के होते हैं और टीथ दांत की तरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ आर नॉट होमोलोगस, एक समान नहीं होते हैं। होमोलोगस मतलब टीथ सारे के सारे एक स्ट्रक्चर के नहीं होते। एट द अपेक्स ऑफ द बक्कल फनल इज ए स्मॉल सर्कुलर माउथ ओपनिंग। बक्कल फनल के जस्ट जो है एपेक्स पर एक छोटा सर्कुलर माउथ की ओपनिंग पाई जाती है। गोलाकार माउथ जो है प्रेजेंट होता है। इमिडिएटली बिलो एंड बिहाइंड द माउथ प्रोजेक्ट्स द टंग। जैसे ही माउथ प्रोजेक्ट होता है उसके जस्ट पीछे एक टंग पाई जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आइज। ऑन ईच लिटल साइड ऑफ द हेड इज ए लार्ज प्रोमिनेंट आई। एक बड़ी जो है हेड रीजन में आई प्रेजेंट होती है बड़ी। द टू आइज लैक आईलिड्स एंड आर कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट एरिया। हेड के दोनों लिटल साइड में एक एक आई प्रेजेंट होती है और इनके अंदर आईलिड्स नहीं पाई जाती है, ट्रांसपेरेंट स्किन पाई जाती है जो इसको कवर करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एपर्चर्स। एपर्चर्स में करीब 5 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला है माउथ। माउथ इज द नैरो एपर्चर लाइंग एट द अपेक्स ऑफ द बकल फनल। माउथ बहुत ही छोटा एपर्चर है, छिद्र है, जो बकल फनल के अपेक्स पर पाया जाता है। एंड इट हेल्ड ओपन बाई रिंग ऑफ कार्टिलेज। और ओपन होता है बहुत बहुत जो है गोलाकार रिंग के समान कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं।
सेकंड स्ट्रक्चर है, बिटवीन द आईज एंड एंड ऑन द हेड इज अ सिंगल स्मॉल मिड डॉर्सल नॉस्ट्रिल और नेसो हाइपोफाइशियल एपर्चर। आईज और हेड के बीच में एक सिंगल, एक अकेला मिड डॉर्सल नॉस्ट्रिल, जिसको नेसो हाइपोफाइशियल एपर्चर भी कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। इमिडिएटली द नॉस्ट्रिल ए ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द पाइनियल ऑर्गन। नॉस्ट्रिल जैसे ही ख़त्म होता है, उसके जस्ट बैक में एक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है स्किन का, और वो एरिया इंडिकेट करता है पाइनियल ऑर्गन का। अब है थर्ड स्ट्रक्चर, गिल स्लिट्स। सेवन स्मॉल राउंडेड ओपनिंग्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स फॉर्म ए लॉन्गिट्यूडिनल रो ऑन ईच लिटिल साइड ऑफ द हेड। एक रो में 7 छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाती है, वो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल रो में पाई जाती है, दोनों हेड के दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ऑन द वेंट्रल साइड एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल इज अ स्लिट लाइक डिप्रेशन द क्लोएका। वेंट्रल साइड पर एक जंक्शन, जब ट्रंक और टेल दोनों मिलते हैं, उस जंक्शन पे एक स्लिट लाइक डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्लोएका कहते हैं। ए यूरिनोजेनाइटल पेपिला बियरिंग ऑन इट्स टिप ए माइन्यूट यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। एक यूरिनोजेनाइटल पेपिला जो इसके टिप पर प्रेजेंट होता है, यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, और इस एपर्चर से बाहर की तरफ क्लोएका प्रोट्रूड होता है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट लाइज द स्मॉल एनस। इसके जस्ट एक फ्रंट पर एनस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, न्यूमरस स्मॉल सेंसरी पोर्स ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम एक्सटेंड अलोंग ईच लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एंड हेड। बहुत सारे सेंसरी पोर्स, सेंसरी छिद्र, छोटे छोटे जो है लेटरल लाइन सिस्टम से एक्सटेंड होकर के और दोनों लेटरल साइड जो बॉडी की है, बॉडी और हेड की है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी पोर्स, सेंसरी छिद्र। और इसके साथ ही हमारी ये टॉपिक ख़त्म होती है। थैंक यू।